नमस्कार और फिर से हैप्पी न्यू ईयर 2024। और मेरे अब लेफ्ट में इस तरफ देखेंगे वो है फेमस डीवाई पाटिल, नवी मुंबई या निरूल। और देखिए एक चक्कर काटा मैंने अंदर, तो वही बात है कि बिल्कुल ही नो क्वेश्चंस आस्क्ड अबाउट दी क्वालिटी, ऑल दी पैरामीटर्स, चाहे वो लोकेशन बोलें। एक ये चलता हुआ प्राइवेट अस्पताल है और नवी मुंबई क्षेत्र का बहुत मशहूर अस्पताल है, और वो पता चल जाता है आपको एमरजेंसी वगैरह देखकर। कितने लोग, ये जो आपको ऑटो की लाइन नज़र आ रही है, ये सब हैं जो पेशेंट आए हुए हैं। और देखिए पूरी लाइन लगी हुई है, और जो आपको मराठी में लिखा हुआ है डीवाई पाटिल रुग्णालय, मतलब जो हॉस्पिटल होता है, और यही डीवाई पाटिल नवी मुंबई फेमस कॉलेज है। तरना मेडिकल कॉलेज से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर था, दोनों बगल में। पर जैसा मैंने कहा तरना, फिर आप सोचेंगे कि दो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इतने बगल में, तो पेशेंट्स क्लैश कर जाएंगे जो। लेकिन तरना का कॉलेज अस्पताल अपना है ही नहीं, वो सरकारी अस्पताल के साथ जुड़ा हुआ है, तो सरकारी की उसका अलग क्राउड होता है, अलग मार्केट होती है। डीवाई पाटिल एक प्राइवेट हॉस्पिटल है प्रॉपर, और साथ ही है। बस मोटा मोटी मैं ये कह सकता हूँ, कुछ जानने को कहने कुछ है ही नहीं। एक गुड क्वालिटी कॉलेज के हर पैरामीटर पे इसका चेक है, सिर्फ एक को छोड़ के, क्योंकि इसका पैकेज 2.25 करोड़ रुपये पड़ता है, 2.25 करोड़। जी हाँ, जो लास्ट ईयर की फ़ीस थी 2023 की, तो आप समझ जाइए इसी कट ऑफ कम जाती है। तो शानदार कॉलेज है। और फिर से अब रिवर्स समझिए कि इतना शानदार कॉलेज हो के कट ऑफ कम क्यों है, क्योंकि भाई 2.25 करोड़ का पैकेज खरीदना हर एक के बस की बात थोड़ी ना है, और NRI सीट तो 2+ हो जाती है। तो इसमें आपको अक्सर बच्चे मिलेंगे जिनके नंबर 225, 250, 350 आए हैं। अब देखिए हर बच्चा बहुत अच्छा होता है, हर बच्चा बहुत मेहनत करता है, बट हम भी जानते हैं कि कभी कभार होता है कि आपका लक खराब हो गया, नीट में कम नंबर आ गए। पर कभी कभार होता है कि आपने पूरा जोर लगाया और फिर भी 250 नंबर आए हैं, 200 नंबर आए हैं। तो जैसा कि आप भी क्लाइंट समझते हैं ना, कि सिर्फ एक जहाँ थोड़ी सी दिक्कत जहाँ पर हो सकती है कि जो कंपनी है बच्चे की, वो अक्सर वो होंगे जो बहुत पैसा खर्च करने वाले हैं, 2.25 करोड़, जनरली कमिंग फ्रॉम सुपर रिच बैकग्राउंड, और शायद उतने मेहनती नहीं है, तभी तो 225, 200 नंबर आए। ये भी हो सकता है जी, यहाँ पर 400 नंबर वाला भी आ सकता है। पर देखिए भाई 400 नंबर वाले समझदार होते हैं, वो MGM पनवेल चले आते थे, MGM नवी मुंबई चले आते थे, थोड़ा बहुत और थोड़ा दूर भी निकल जाते हैं, कर्नाटका के मॉडल कॉलेज चले गए, या अपना डीवाई पाटिल कोल्हापुर चले गए, जो फिर भी सस्ता पड़ता है, वहाँ पर फिर भी काम आपका 1-1.5 में हो जाता है। और पर ये जो है क्वालिटी, कहीं कुछ बोलने की सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र नेगेटिव चीज़ ये हो सकती है कंपनी। और इसको मैं यही कहूँगा कि स्पाइट ऑफ अ ग्रेट कॉलेज को इसी कट ऑफ कम जाती है, तो कट ऑफ्स आर नेवर अ सिग्नल ऑफ क्वालिटी ऑफ द कॉलेज। ये मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं, क्योंकि लोकेशन ऑफ द कॉलेज, बजट ऑफ द कॉलेज इज़ ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस। कभी एक बार अमृता फरीदाबाद देखिए, शानदार कॉलेज खुला है, कोई शक की बात है, पर क्यों सी कट ऑफ सीधा 500 पार चली गई, क्योंकि नॉर्थ इंडियंस के पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना, तो यूपी के तो यूपी है जी, तो फिर राजस्थान क्लोज स्टेट है पहले दो राउंड तक। तो अगर मैं नॉर्थ इंडिया का 450 नंबर का बच्चा हूँ, मुझे शारदा, सुभारती या श्रीराम मूर्ति तो मिलेगा नहीं, जॉली ग्रांड नहीं मिल रहा, चलो गुरु राम राय मिल सकता है, लेकिन फिर लगता है कि यार चलो बगल में वो भी 1.1 करोड़ खर्च करा रहा है, और अमृता फरीदाबाद तो अमृता है, तो अमृता ही कट ऑफ पहले साल ही 500 हो गई। डीवाई पाटिल की क्वालिटी शायद अमृता फरीदाबाद से बेटर ही होगी, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन एक जगह करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं, एक जगह 2.25 करोड़ खर्च हो रहे हैं, प्लस दूसरा कि नॉर्थ में हमारे पास कोई और ऑप्शंस नहीं है। तो बड़े सारे फैक्टर प्ले करते हैं जिससे पता चलता है कि कॉलेज क्यों है। कट ऑफ्स आर नॉट दी ओनली सिग्नल ऑफ क्वालिटी ऑफ द कॉलेज, मैं आपको बार बार ये कहता हूँ। और अब जबकि नेक्स्ट पक्का आ चुका है, इंडिया के हर बच्चे को भी नेक्स्ट फेज़ 1 फेज़ 2 देना है, पास करना है, तभी आपको डिग्री मिलेगी, तभी आपको MD एडमिशन मिलेगा। इसलिए भाई अब गुड क्वालिटी एजुकेशन लेनी ही लेनी है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़, कोई समझौता नहीं हो सकता। मैं डिटेल में नहीं बता रहा, लेकिन लोकेशन जैसे मैंने कहा बिल्कुल, ये भी निरूल एरिया में ही पड़ता है, मतलब कि जो मेन बॉम्बे, जब आप मेन बॉम्बे से आते हैं तो वाशी ब्रिज बोलते हैं, मतलब अगर आप बॉम्बे का नरिमन पॉइंट देखेंगे तो वो तो यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है, क्योंकि बॉम्बे आपको पता है लंबा शहर है ना, एक वो लंबा शहर है जो, मतलब हम ऊपर से आते हैं तो नरिमन पॉइंट, वर्ली वगैरह, दादर आता है, फिर एक वेस्टर्न लाइन जाती है जो अंधेरी बोरीवली जाती है, जो गुजरात से सड़क आ रही है, ये वो सड़क है जो पूना की तरफ जा रही है, जो नवी मुंबई कहते हैं। पर नवी मुंबई बॉम्बे की बिल्कुल शुरुआत में, वाशी और अगली कॉलोनी है निरूल। अब धीरे धीरे बेलापुर आएगा, फिर पनवेल आएगा जहाँ दूसरा MGM होगा आखिरी, और वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। और MGM पनवेल के बाद फिर हम डीवाई पाटिल पुणे होते हुए आज का दिन समाप्त करूँगा, कपड़े मेरे सेम हैं। और कल फिर मैं आपको पूना के जो बाकी दो कॉलेज हैं, सिम्बियोसिस और फातिह विद्यापीठ पुणे, उनकी ज़रा रूट अलग पड़ता है, और वो दोनों के बाद फिर हम कोशिश करेंगे फातिह विद्यापीठ सांगली, कृष्णा कराड़ और डीवाई पाटिल कोल्हापुर भी मैं आपको इस विज़िट में दिखाऊँ बाहर से।
और मोटा मोटी बातें समझाऊँ कैसे पहुँचना है। यहाँ पहुँचना बहुत आसान है आपको, ये पूरा पूरा जो कैंपस है डी वाई पाटिल यूनिवर्सिटी है, जबकि तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नंबर आप मेरा जानते ही हैं, 9643362320, यही नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। हम बात करने के 2500 रुपये, फेस टू फेस मीटिंग के मिनिमम 5000 रुपये लेते हैं। मैं ही बात करता हूँ, मैं ही आपसे सारी डील करता हूँ, मैं ही आपकी काउंसलिंग करता हूँ, किसी जूनियर स्टूडेंट या जूनियर स्टाफ से आपकी डील नहीं कराई जाती है। तो बेस्ट क्वालिटी आपका काम होता है, कहीं कोई गलती नहीं होती है, उसी चीज़ के चार्जेस होते हैं। शायद हमारे चार्जेस आपके बगल वाले से 30% या 50% ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि आपका काम कौन कर रहा है। और हमारा जो पूरा पैकेज का जो लॉजिक है वो उसका वीडियो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिए, उसके बाद ही फैसला कीजिए आपको कौन सा काउंसलर लेना है। बाय बाय, टेक केयर।